नमस्कार, दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए फिर से टारगेट यूपीएससी 2024 में कोडिंग डिकोडिंग के तीसरे पार्ट को लेकर आए हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा कोडिंग डिकोडिंग का भाग 3। भाग 2 तक आप लोगों ने देख लिया होगा, उसके बेहतरीन क्वेश्चन को कर भी लिया होगा। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग के किए हैं और सारे अलग टाइप के किए हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप 10 तरह के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को देख चुके हैं और कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चंस आपको ऐसा यूपीएससी में दिखा होगा इस पैटर्न पे, या आगे इसी तरह के पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आज जो भाग 3 है ये है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है, इसको आप कह सकते हैं डिफिकल्ट लेवल। इसीलिए इसको भाग 3 में मैंने डिफिकल्ट लेवल क्यों रखा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि भाग 1 में थोड़ा ईजी लेवल रहेगा, भाग 2 में मॉडरेट लेवल रहेगा जो आप लोगों ने देखा होगा, और उसके बाद भाग 3 में हम लोग थोड़ा सा इससे हाई लेवल का क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट लेवल को क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा वही कोडिंग डिकोडिंग का आज ये लास्ट एपिसोड है। उसके बाद हम लोग फिर से किसी मैथ्स के चैप्टर को करेंगे, तो वही पैटर्न रहेगा हमारा, एक बार मैथ्स, एक बार रीजनिंग, फिर से एक बार हम लोग मैथ्स करेंगे। उसको भी हम 3 पार्ट में करेंगे। हमारे पास समय काफ़ी है तो हम आराम से क्वेश्चन को सीखेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पे भी आज हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन अपने में बहुत ही बेहतरीन होगा। तो चलिए बिना देरी के आज हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक निश्चित कोट भाषा में स्टेटमेंट को 744547878 लिखा जाता है तथा क्वेश्चंस को 843978461 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इम्पॉर्टेंट को कैसे लिखेंगे या इम्पॉर्टेंट का कोड क्या होगा। तो देखिए वही बात है, यहाँ पे है अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में, यहाँ पे है न्यूमेरिक फॉर्म में। मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसके प्लेस वैल्यू से ही रिलेटेड होगा। जो मैंने अभी तक आपको बताया था कि या तो हो सकता है प्लेस वैल्यू में आगे पीछे करके जोड़ घटा करके कुछ बनाया गया हो कोड, या हो सकता है कि पहले का कोड पहला ही नंबर हो या पहला ही डिजिट हो। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्टेटमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मतलब लेटर है, और यहाँ पे 3 3 6 3 9 ही लेटर है। उसके बाद क्वेश्चंस में भी 3 3 6 3 9 लेटर है, तो यहाँ पे भी आपको 9 ही लेटर दिख रहा है। इसका साफ मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट में फिर कितना लेटर है, 3 3 6 और 4 10, तो ऑप्शन में भी 10 ही आपको डिजिट दिख रहा होगा। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम देखिए स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे STATEMENT। आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा स्टेटमेंट हम लोगों ने लिख लिया है। उसके बाद हुआ क्या है बेसिकली, आपको बता दें कि इसके पीछे से लेटर को उठाया गया है, मतलब T से, आपको पता है। और ये चीज़ आप सबसे पहले एक काम कर लें, अगली बार जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को बनाएंगे, जब अल्फ़ाबेट से न्यूमेरिक में कोड दिया होगा, तो सबसे पहले आप इसके टॉप पे ना इसका प्लेस वैल्यू लिख दिया कीजिए। उससे थोड़ा सा आपको ना आइडिया भी लग जाएगा। 20 5 13 5 14 और 20, इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका कोड मतलब क्या होगा या किस आधार पर इसका पैटर्न है, तो थोड़ा सा समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ 19 है, यहाँ पे 7 है। और एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर सिर्फ हम लोग सीधा सीधी अगर जोड़े सारे डिजिट को, तो डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब डिजिट में कोड होना चाहिए, बट यहाँ पे 9 ही में दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ है, जो डबल डिजिट का भी नंबर है ना, उसको कहीं ना कहीं सिंगल के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। आप इस बात को मान के चलिए। अगर हम इसको सिंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखिए क्या क्या तरीका हो सकता है। एक तो है कि 9 1 10, फिर 10 में 1 + 0 करेंगे तो 1 होगा, लेकिन यहाँ 7 है, काम नहीं बन रहा। दूसरा तरीका है कि 9 में 1 गया 8, लेकिन यहाँ पे 7 है, मतलब ये भी काम नहीं कर रहा। तीसरा तरीका है कि इसका रिवर्स लेटर भी सोच सकते हैं। इसका रिवर्स लेटर क्या होगा, 8 होगा, मतलब रिवर्स वैल्यू 8 होगा, रिवर्स प्लेस वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 7 दिया है, तो हम भी कह सकते हैं कि अभी ये काम नहीं बनेगा। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि 20 का जो रिवर्स लेटर है वो है, मतलब रिवर्स प्लेस वैल्यू जो है वो है 7, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह करके कहीं लिखा तो नहीं गया है कि यहाँ पे t का मान रखा गया हो इसके रिवर्स प्लेस वैल्यू को, तो 7 हो गया। उसके बाद अगर हम 14 का रिवर्स वैल्यू सोचें ठीक है ना। तो क्या होता है 14 का रिवर्स वैल्यू, आपको सीधा सी कुछ नहीं करना, 27 में 14 को घटा देना है तो 13 होगा। रिवर्स वैल्यू क्या हो जाएगा 13। तो हम देख पा रहे 13 है डबल डिजिट में, तो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है कि 1 + 3 किया है क्या, तो 1 + 3 4, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मतलब यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। उसके बाद ई का रिवर्स लेटर क्या होगा, मतलब रिवर्स प्लेस वैल्यू 5 है तो 27 में 5 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 का 2 2 जोड़ के यहाँ पे 4 लिखा गया है। उसके बाद एम का क्या होगा 14 होगा, रिवर्स प्लेस वैल्यू 1 + 4 यहाँ पे 5 लिखा गया है। उसके बाद ई का फिर से 22 होगा तो 2 2 4 हो जाएगा। टी का 7 होगा। एक्चुअल में क्या है, अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है नंबर तो उसमें तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं जोड़ने का, तो 7 को 7 ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था आपने। ए का होगा 26, रिवर्स प्लेस वैल्यू तो 6 2 8 हो जाएगा। टी का फिर से 7 हो जाएगा तो 7 ही लिख दीजिए। और एस का कितना हो जाएगा 8 होगा तो 8 ही लिखना पड़ेगा, है ना। बस 27 में सबको घटा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम 7 लिख लेते हैं। अब देखिए मेरा कोड मिला लीजिए 7 4 4 5 4 7 8 7 8, तो बिल्कुल सही है। अब मेरे पास दूसरा है क्वेश्चंस। देखिए अगर ऐसा होना तो आप टाइम बचाने के लिए दूसरा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन चलिए इसलिए लिख लेते हैं, क्या पता दूसरे में फॉलो करें ना करें, तो इसलिए हम लोग लिख लेते हैं। अब मेरा पहला काम क्या है, सबसे पहले क्यू का क्या होता है, देखिए पी क्यू, पी होता है 16वें नंबर पे तो क्यू हो जाएगा 17वें नंबर पे, यू हो जाएगा 21, ई हो जाएगा 5, एस हो जाएगा मेरा 19, टी हो जाएगा 20, आई 9, ओ 15, एन हो जाता है 14 और एस हो जाता है 19। सब का फटाफट रिवर्स प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 19 19 8 27 14 13 27 15 12 27 9 18 27 20 7 27 19 7 27 5 22 27 21 6 27 17 10 27। अब क्या करना है, पीछे साइड से लिखना शुरू कर दीजिए कोड। तो 8 3 1 4 2 1 3 8 1 9 7 8 2 2 4 6 और 1, तो यही कोड है क्या, कोड 8439 78461, बिल्कुल सही है। तो मेरे लिए अब आसान हो गया किसका कोड लिखना, इम्पोर्टेंट का। तो चलिए हम इम्पोर्टेंट का कोड यहाँ पे लिख लेते हैं। IMPORTAN और T। जब इम्पोर्टेंट को आप कोड लिख रहे हैं तो इसका सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए 9 13 16 15 18 20 1 14 और 20, ठीक है। उसके बाद रिवर्स प्लेस वैल्यू भी 7 के साथ लिख लेंगे नीचे, तो 7 14 13 26 27 27 28 9 27 16 11 27 13 14 27 और 9 18। फिर पीछे साइड से कोड लिखना शुरू कर दीजिए। तो कोड लिखना बहुत आसान है, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ये 7 ही रह जाएगा, ये 9 ही रह जाएगा, 2 1 3 1 1 2 4 1 5 8 1 9। तो मेरा कोड हो जाएगा 74879 74879 74879। इसमें नहीं दिख रहा 748, इसमें नहीं दिख रहा 74879 तो दिख गया, यहाँ 3 2 भी दिख गया, 57 है या 59 होना चाहिए। तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से मेरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, थोड़ा हटके था, हर दोनों टाइप से थोड़ा सा अलग लेवल पे था। तो चलिए मेरा सही जवाब है ऑप्शन ए। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है फिर से। एक निश्चित कूट भाषा में जियो फिजिक्स को BDC BJ BH IFH के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में अल्टीमेट को क्या लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट से अल्फाबेट में है कूट, तो इसका क्या तरीका होता है कि अल्फाबेट से अल्फाबेट में होने का मतलब है कि प्लेस वैल्यू से थोड़ा आगे पीछे, है ना, लास्ट वाले को आगे किया गया होगा या उसका रिवर्स लेटर लिखा गया होगा, यही सब हो सकता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ G है, यहाँ B है, तो G से B पीछे हो रहा है, E से D भी पीछे हो रहा है, O से C भी पीछे हो रहा है, P से B भी पीछे हो रहा है, लेकिन एक ऑर्डर में पीछे नहीं हो रहा है। G से B बहुत ठीक ठाक कम है ना, 5 लेटर कम है लगभग, फिर देख रहे हैं 1 लेटर कम है, फिर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कम है, O से C के बीच का डिफरेंस लगभग 12 लेटर का है। तो हम कहेंगे कि ऑर्डर में नहीं दिख रहा। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप कुछ भी करना लेकिन लॉजिक से बाहर मत जाना। इन्हें कि ऑर्डर अगर मान लेते ठीक है, अगर इसी ऑर्डर में दिया हो 5 12 13 फिर 1 2, तो जी से बी कितना पीछे गया है, 5 लेटर पीछे गया, तो यहाँ भी 5 लेटर पीछे यू से। आपको दिख रहा है एफ हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं बनता, तो ये गलत है, मतलब ये लॉजिक है ही नहीं। तो क्या है एक बार देख लेते हैं, जी ई ओ पी एच वाई एस आई सी और एस, ठीक है, जियो फिजिक्स। अब जियो फिजिक्स है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जी कितने प्लेस पे है, जी मेरा 7वें प्लेस पे होता है, सबको पता है जी हमारा 7वें प्लेस पे होता है। तो वही काम है, अगर कुछ भी ना मिले ना तो आप सबसे पहले सबका प्लेस वैल्यू लिखिए 7, 5, ठीक है, उसके बाद ओ का 15, पी का 16, एच का 8, वाई का 25, एस का 19 है ना, आई का 9, पी का 3 और एस का फिर से 19। अब देख रहे 7 से 2 कुछ तो बन नहीं पा रहा, क्योंकि बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। एक्चुअल में क्या हुआ, फिर से इसका रिवर्स लिखा गया है, 20, 22, 12, 11, 19, 2, 8, 18, 24 और 8। उसके बाद क्या किया गया है, यहां देखा गया 2 0 है, एक्चुअली इसको सिंगल डिजिट में लाने का कोशिश किया गया है। तो 2 + 0 2, 4, 3, 2, 10 है ना। अब देखिए यहाँ पे ना फिर इसको सिंगल डिजिट में नहीं लाया गया है, इसको 10 ही लिखा गया है, बताएंगे क्यों। 2, 8, 9, 6 और 8 एक्चुअल में इसलिए किया गया क्योंकि आंसर ये नहीं है। अब इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे बी है, चौथे नंबर पे डी है, तीसरे नंबर पे सी है, दूसरे नंबर पे फिर से बी है, मिल रहा है क्या, बी डी सी बी मिल गया ना। उसके बाद 10वें नंबर पे जे है, दूसरे नंबर पे बी है, 8वें नंबर पे एच है, 9वें नंबर पे आई है, उसके बाद एफ है, उसके बाद एच है। यही है मेरा कोड, बी डी सी बी जे बी एच आई एफ एच। तो हमको दिख गया यहाँ पे मेरा कोड। तो कितने ऑपरेशन के बाद मिला, देखिए 1, 2, 3 ऑपरेशन करना पड़ा तब आपको कोड मिल रहा है, मतलब क्वेश्चन कितना अच्छा है, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं इसको आप। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अल्टीमेट्स। क्वेश्चन नहीं, कोड बनाएंगे, अल्टी METE। अब फिर से वही काम करेंगे कि अल्टीमेट्स में U होता है 21वें स्थान पे, है ना, L होता है 12, T होता है 20, I 9, M होता है 13, 1, 20, 5 और 19 है ना। इसके बाद इसका फटाफट रिवर्स भी हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिवर्स लिखे काम होगा नहीं, तो रिवर्स लिख लीजिए 6, 15, 7, 18, 14, 26, 7, 19, 8 है ना, यही होगा ना। उसके बाद फिर से इसको सिंगल डिजिट में मतलब जोड़ देना है, सिंगल डिजिट नहीं लाना, मतलब दोनों प्लेस को बस जोड़ देना है, दोनों डिजिट को जोड़ देना है। 6, 6 तो देखिए 6, 6 दिखने का मतलब है कि 2 बार एफ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। 7, 9, 5, 8, 7, 10, 8 6 का कोड है F, उसके बाद 6 के बाद 7, F के बाद G है ना, ये फिर 9 है ना, 9 के बाद I। तो FFGI कहाँ दिख रहा है, तो FFGI ये नहीं है, इसको हटा दिए। फिर FFGI के बाद E आना चाहिए, FFGI E नहीं दिख रहा, हटा दिए, FFGI E। उसके बाद H, उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा 7वें नंबर पे G, तो H के बाद G आना चाहिए, यहाँ पे H के बाद G नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद तो आप चाहें तो लिख लें 9, 1, 10 10वें नंबर पे फिर क्या है आपका, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, FFGI EH G। उसके बाद यहाँ पे 10वें नंबर पे क्या आता है, I J और 8 है ना, सॉरी 8 की जगह हम यहाँ पे H लिखेंगे, तो JH आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ऑप्शन को आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअल में J होना चाहिए, ठीक है, बस कोड थोड़ा सा ऑप्शन में गलत हो गया, यहाँ पे J होना चाहिए, आप इसको ठीक कर लीजिएगा कि FFGI EH GJH यही मेरा सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में बैकवर्ड को 108 लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में पोजीशन को 168 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लैंग्वेज को क्या लिखेंगे। अब देखिए फिर से वही है कि अल्फाबेट से न्यूमेरिक में कोड दिया गया है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, वही बात है, प्लेस वैल्यू का ही रोल है। हालांकि सब जगह आपको प्लेस वैल्यू का ही रोल दिखेगा। हम यहाँ देख रहे हैं बैकवर्ड है और यहाँ पे 3 डिजिट में कोड दिया गया है, उसी तरह फिर 3 डिजिट में है, फिर से 3 डिजिट में कोड होगा। ऐसा क्वेश्चन आपने टाइप 2 में किया था, बट उसका और इसका लॉजिक बिल्कुल अलग है, पहले बता दूं आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बैकवर्ड BACKWARD, बैकवर्ड लिखा। अब देखिए बैकवर्ड को आप कैसे 108 बनाए हैं, आप एक बात समझिए। इसका हुआ क्या है, सबसे पहले हम इसका कोड लिख लेते हैं, मतलब प्लेस वैल्यू तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। 2 1 C का 3 I J K 11, W का होता है 23, 1 R का होता है 18 और D का होता है 4। उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद इसको हो सकता है, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद 108 नहीं आएगा, क्योंकि नंबर बहुत काफी बड़ा बड़ा नहीं है। तो 2 1 3 3 6 6 11 6 15 11 6 17 23 कितना होता है 40, 1 41 4 45 और 18। 45 प्लस 18 अगर करेंगे तो देख रहे हैं 8 5 13 4 1 5 1 6 63 आता है। 63 को 2 से 3 से गुना करने पे भी 108 नहीं आ रहा, या 63 को 1 2 3 4 5 6 7 8 63 गुना 8 भी कर देंगे तो मेरा उत्तर नहीं आएगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, हो सकता है हम रिवर्स करके देख लें तो मेरा काम बन जाएगा 25 26 है ना, 24 उसके बाद 16 4 26 9 और ये 23। अब इसको जोड़ के देख लें क्या, तो 9 3 12 6 18 4 22 6 28 4 32 6 38 38 और 5 43। तो ये भी मेरा नहीं हो पा रहा है। तो क्या हुआ होगा इसमें कुछ नहीं, आप एक बात समझिए, इसको रहने दीजिए, इससे नहीं होगा आपका काम। अब इसको आप फिर से जोड़िए, तो कितना है देखिए, 2 + 1 + 3 + 11 + 23 + 1 + 18 और + 4, इसी को जोड़िए, इसी से कुछ लॉजिक निकलेगा। तो 2 1 3 3 6 6 11 17 17 और 23 40, 40 1 41 41 और 19, 41 और 18 4 22। तो ये हो जाता है 63। एक्चुअल में क्या हुआ है ना, तो देखिए 63 को इसने कर दिया 63 + 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो देखिए 63 + 36 और + 9, तो देखिए 9 6 15 3 18 और 6 3 9 1 10, 108 आ गया ना। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन कह सकते हैं, इसमें कुछ नहीं था, 63 के ही डिजिट को, दोनों डिजिट को स्क्वायर करके जोड़ दिया गया फिर से 63 में। तो उसी तरह अगर हम देखें क्या है पोजीशन, तो पोजीशन को अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो देखिए क्या हो जाएगा, POSITION। तो पोजीशन का कोड फटाफट लिख लीजिए। P का क्या होता है 16 15 19 9 20 9 15 14। सबको जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, फटाफट जोड़ लेते हैं, 16 15 31 और 19 50 9 59 20 79, ठीक है ना। उसके बाद 15 9 24 और 14 जोड़ दीजिए, 9 4 13 4 4 8 9 17 1 है ना, 2 2 4 और 7 11, तो कितना हो जाता है 117। तो 117 में क्या हो जाएगा, 117 + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 7 स्क्वायर, ये तो करेंगे ना। तो 7 7 49 और 2 51, तो 117 में 51 जोड़ देंगे तो 7 1 8 5 1 6 168। तो 168 कोड दिख रहा है क्या, तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है 168। उसी तरह अगर लैंग्वेज को लिखना शुरू करें तो लैंग्वेज लिख लेते हैं हम लोग, LANGUAGE। तो लैंग्वेज का कोड क्या हो जाएगा, देखिए लैंग्वेज को अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो L का कोड सबको पता है, 12 1 14 7 21 1 7 5, सबको जोड़ दीजिए, 12 1 13 है ना, यहाँ पे जोड़ेंगे 7 5 12, 12 1 13 13 और 21 कितना हो जाएगा 34, 34 7 41 और 14, 55 1 56 और 56 + 12 56 + 12 68। तो 68 हो जाएगा। अब प्लस क्या करना पड़ेगा, 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर। तो देखिए 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 100 ही होता है, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग बहुत करते हैं, 36 + 64 100, 100 + 68 168 ही होगा। तो अच्छी बात है कि दोनों का कोड 168 ही मिल गया। तो बहुत लोग इसी ऑप्शन को सबसे पहले रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि सोचेंगे कि पोजीशन का कोड 168 होगा तो लैंग्वेज का कोड तो 168 हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पोजीशन के लिए फिक्स है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पोजीशन का कोड वो फिक्स हो गया 168, बदल गया ना। तो लैंग्वेज का भी कोड 168 है और पोजीशन का भी कोड 168 है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में सैटरडे को 53 लिखा जाता है और मल्टीपल को 45 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डिस्टेंस को क्या लिखेंगे। अब फिर से देख रहे हैं कोड, अब 2 से 3 से 2 लेटर का हो गया, मतलब 2 डिजिट का हो गया, छोटा हो गया। एक्चुअल में क्या हुआ होगा, यहाँ फिर से लिखते हैं सैटरडे, ऐसे TURDAY। इसमें हुआ क्या है, देखिए इसमें इस तरह करके इसने लिखा है कोड को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे कर लीजिए, मतलब पहले तीसरे दूसरे और चौथे को चेंज किया गया है। तो अब हम समझेंगे कि एस का क्या नाम है, रिवर्स लेटर क्या होगा, या एस का समझ लीजिए प्लेस वैल्यू। सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि उसी से आसान होगा आपका काम। एस का यहाँ पे 19 होता है, 1 होता है ना, इसका कोड 1 है, टी का 20 है, यू का 21 है, फिर आर का 18 है, 4 है, 1 है और कितना होता है, 25 होता है। ठीक, अगर हम इसको रिवर्स कर दें कि एस का कोड जो है ना यहाँ टी के जगह पे आ जाए, तो यहाँ पे 19 8 27 और 20 7 27 ऐसा कुछ है क्या, 26। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यू का हो गया, हाँ किसका हमने किसको किया है, टी का इधर हो गया और एस का यहाँ पे हो गया, ए का यहाँ हो जाएगा, तो टी का फिर यहीं पे कैसे होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुकिए इसको थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ ना हो। एक्चुअल में देखिए हुआ क्या है कि एस का कोड यहाँ रखा गया है, टी का कोड यहाँ रखा गया है, ए का कोड यू के जगह, यू का कोड ए के जगह रखा गया है। तो एस का जो है यहाँ रख दीजिए 8, टी का यहाँ रख दीजिए 7, ए का यहाँ रखिए 26 और 21 और 6 27। एक्चुअल में ये हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 18 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये यहाँ पे हो जाएगा 26, डी का यहाँ पे हो जाएगा 23, 25 का हो जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद क्या किया जा सकता है, 53 तो होगा नहीं, हो सकता है कि सबको सिंगल डिजिट बनाया गया होगा, 7 + 6 + 8 + 8 + 8 + 8 + 2 + 9 + 5 जोड़े, 9 5 14 2 16, 8 24, 8 32, 8 40, 6 46 और 7 53। तो हम कहेंगे कि इसका कोड 53 यहाँ दे गया। क्या हुआ, अब समझ गए ना, पहले का ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, उसके बाद इसका यहाँ और इसका यहाँ आ गया। एक्चुअल में ये हुआ है। फिर से क्या हुआ, इसका कोड यहाँ है, इसका कोड यहाँ है, रिवर्स कोड मतलब इसका यहाँ और इसका यहाँ है, ठीक है। उसी तरह अगर हम मल्टीपल को भी लिखेंगे तो हम देख लेते हैं मल्टीपल को, क्योंकि MULTIPLE होता है, टी छूट गया था तभी 7 ही लेटर दिख रहा था। तो अब इसमें फटाफट लिखते हैं 13 21 12 20 9 16 12 और 5, ठीक है। इसका यहाँ लिखेंगे तो 13 14 12 15 21 6 20 7 9 18 12 15 16 11 5 22। उसके बाद 6 + 7 + 5 + 6 + 6 + 4 + 9 + 2 जोड़िए, 9 2 11 4 15 6 21 6 27 5 32 7 39 6 45। तो इसका कूट 45 दिया हुआ है, तो देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है 45। तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो अब हमको डिस्टेंस का कोड निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, हम यहीं पे निकाल लेंगे डिस्टेंस का कोड। DISTANCE। उसी तरह डी का कोड फटाफट हम लोग लिखेंगे, क्या होगा, 4 9 19 20 1 14 3 और 5। इसको फटाफट यहाँ लिखेंगे 23, है ना। उसके बाद 19 8 27, 9 18, 20 7, ए का यहाँ पे 26 24, फिर उसके बाद एन का यहाँ लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 14 13 और 5 22। फिर सबको सिंगल में करना है तो 8 + 7 + 5 + 9 + 6 + 4 + 8 + 4 जोड़ दीजिए। 8 4 12 4 16 6 22 9 31 5 36 और 15 36 और 15 51 होता है, ठीक है ना। 36 और 15 51 होता है तो मेरा कूट हो गया 51। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में स्टूडियो को IIGI DJ लिखा जाता है और आउटलाइंस को JG PII DII लिखा जाता है, तो पेंटर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए फिर से अल्फाबेट है, लेकिन याद रखिए अल्फाबेट से अल्फाबेट भी रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू का कुछ ना कुछ इसमें रोल होगा। तो हम फटाफट इसमें क्या करेंगे, स्टूडियो लिखना शुरू करते हैं ना, STUDIO। अच्छा एक बात बताइए, स्टूडियो को लिखा गया है आउटलाइंस, तो यहां का आउटलाइंस सॉरी स्टूडियो को लिखा गया IIGI DJ, तो 3 3 6 3 3 6। एस से आई बना कैसे है, एस से आई तो आगे नहीं बनता। और एक बात बताइए, अगर एस से आई बना तो टी से फिर आई तो बनेगा नहीं, फिर यू से जी बना तो ये भी कुछ अटपटा सा लग रहा है। तो इसमें देखिए क्या ट्रिक है, तो सीधा आप समझिए एस को है 19 20 21, है ना, 4 9 15। एक्चुअल में क्या हुआ है कि सारे जो नंबर है ना, डिजिट या नंबर जो भी है, उसका स्क्वायर रूट किया गया है। तो देखिए 19 × 19 361 होता है, 20 × 20 400 होता है, 21 × 21 441, 16 9 × 9 81, 15 × 15 225। उसके बाद क्या किया गया, सबको आपस में जोड़ के सिंगल डिजिट बनाया गया, तो सिंगल डिजिट ने बस जोड़ दिया गया है। 6 3 9 1 10, 4 4 4 8 1 9, 7 9 और 2 2 4 5 9। उसके बाद क्या किया गया है, सबको रिवर्स किया गया है, तो 9 9 7 9 4 और 10 उल्टा लिखा गया। अब आपको 9 के जगह पे क्या आता है, 9 के स्थान पे कौन होता है, आई होता है, तो यहां हो जाएगा आई। फिर से 9 के जगह पे आई, 7 के जगह पे जी, 9 के जगह पे आई, 4 के जगह पे डी और 10 के जगह पे जे। एक्चुअल में ये लिखा गया है IIGI DJ। दिख रहा है आपको कोड। तो कितना ऑपरेशन था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसलिए इसको कहा गया है मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल, बिल्कुल है, और ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके बाद आउटलाइंस का कोड है, तो हम यहां पे लिखेंगे OUTLINES। तो इसको चेक करना है आउटलाइंस में ये पॉसिबल है। तो ओ का क्या होता है, 15 21 20 12 9 14 5 19, 15 × 15 225, 441, 400, 144, 81, 14 × 14 196, 25 और 361। उसके बाद जोड़िए 2 2 4 5 9 9 4 9 9 9 6 15 116, है ना, 7 और 9 6 3 9 1 10। फिर रिवर्स करना है आपको, 10 7 16 9 9 4 9 और 9। 10 के जगह पे क्या होता है, जे होता है, तो कोड लिख लीजिए JG। 16 पे क्या होता है, PII DII। बहुत दिखेगा आपको, JG PII DII कोड दिख गया आपको यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो अब पेंटर को लिखना तो आसान हो जाएगा, आप लोग भी लिख लेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं पेंटर का कोड फटाफट, PAINTER। अब पेंटर का हम लोग इसमें नंबरिंग करते हैं। P होता है 16 1 9 14 20 5 18। 16 × 16 256, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 14 का 196, 400 25, 18 का स्क्वायर 324, 6 5 11 2 13, 1 9 9 6 15 116, 4 7 4 2 6 3 9। रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 9 7 4 16 9, है ना, 1 और 13। अब इसका कोड लिखेंगे तो कोड आपको पता है, ये कितना आसान है इसका लिखना। 9 का कोड आई, 7 का कोड जी है ना, एफ जी बिल्कुल, डी, ओ का कोड 16 का कोड हो जाएगा पी, आई, ए और इसका 13 का हो जाएगा एम। तो मेरा सही जवाब है आई जी डी, आई जी डी पी, आई जी डी पी। तो आई जी डी पी, एक मिनट कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एस यहाँ पे 5 है ना, तो 5 ठीक है ना, पेंटर पी ए आई एन टी ई आर, पी ए आई एन टी ई आर। तो 256 25 4 दो 6 3 9 5 2 7 आई जी डी। कोडिंग में ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा, आई जी डी करना पड़ेगा इसको, आई जी डी पी आई, आई जी डी, आई जी डी पी आई, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, ए एम ठीक है। इसको मिलाइए, आई जी डी पी आई कहाँ है, देखिए पी आई ए एम ढूंढिए आप, पी आई ए एम यहाँ मिला आपको, और आई जी डी यहाँ पे एक्चुअल में क्या है ना, डी पी की जगह जी डी है, इसको जी डी ट्रीट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है, आई जी डी पी आई ए एम। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, तो मेरा सही आंसर है आई जी डी पी आई ए एम। तो इस तरह हम लोगों ने आज कौन सा क्वेश्चन कर लिया, कोडिंग डिकोडिंग का, और पार्ट 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और कोडिंग डिकोडिंग हम लोगों ने आज समाप्त कर लिया है। तो कोडिंग डिकोडिंग में अब ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। विश्वास है कि अब आप सारे प्रश्न कर लेंगे, क्योंकि आपने उस लेवल के प्रश्न को कर लिया है जो कैट लेवल के प्रश्न को कहा जा सकता है कि कैट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे हर तरीके के प्रश्न को कराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, और आप यूपीएससी में मतलब अब यूपीएससी इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकेगा, इतना तो भरोसा आप रख सकते हैं। तो आप यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग को तैयार कीजिए, अपने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए कि आपका कम से कम 1 नंबर गारंटेड सही रहे। तो अब आप 1 नंबर सिस्टम में सही कर लिया, आज 1 नंबर आपने कोडिंग डिकोडिंग में सही कर लिया, तो आपको 2 मार्क्स आ चुका है, आप ऐसा सोच सकते हैं। तो चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। पेंटर की जगह आप यहाँ पे ले लीजिए NUTSH नट सेल, इसका कोड निकालिएगा। उसके बाद यहाँ पे सैटरडे संडे क्या है, अच्छा 8 ही लेटर देना है, तो 8 लेटर का मान लीजिए MONSTER है ना, कितना हुआ, मॉन्स्टर्स कर लीजिए ठीक है ना, तो हाँ हो गया 8। मॉन्स्टर का कोड निकालिएगा, कुछ भी लेटर ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बैकवर्ड लैंग्वेज आप ले लीजिए पैनलिस्ट ठीक है ना, ये आई है, पैनलिस्ट का कोड निकालिएगा इस बेसिस पे। उसके बाद क्या है, हाँ इसके बाद आप केमिस्ट्री का कोड निकाल लीजिएगा, CHEMISTRA केमिस्ट्री का कोड निकालिए। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेटमेंट, इसमें भी लेटर का कुछ पंगा तो नहीं है कि 8 लेटर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसको लिख लीजिए ब्रिटेन, BRITAIN। अब ब्रिटेन का कोड निकालिएगा ठीक है। तो इस तरह आज हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 को ख़त्म कर लिया है, और विश्वास है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा सीरीज़ में। तो कमेंट करके आप हमें फिर से अपना आंसर देंगे, पाँचों क्वेश्चन का ज़रूर आपके कमेंट को हम देखेंगे, और बिल्कुल आप सीरीज़ पे मतलब वीडियो पे आप कमेंट करें आपको सीरीज़ कैसा लगा, और कमेंट करके आप वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, और लोगों तक भी हमारे वीडियो को पहुँचा दें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे बस इतना सर्च कर लें CSET 4 IAS PCS, आपको वहां पे साफ साफ टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा, या टेलीग्राम का चैनल आपको इस पे सर्च करने पे आपको मिल जाएगा, तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरह हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अब हम मैथ्स के चैप्टर को करेंगे, कोई एक चैप्टर को लेकर आएंगे, तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। 2024 तक आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।